एंड वेलकम टू क्लासिक क्राफ्ट फूड्स। आज हम बना रहे हैं स्पाइसी चिकन ड्रमस्टिक्स। इसके लिए मैंने 4 ड्रमस्टिक्स लिए हैं और मैंने इस तरह के डीप कट्स इसको लगाए हैं ताकि मसाला अंदर तक चले जाए। इसको मैं मैरिनेट करूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून लेमन जूस, 3/4 टीस्पून सॉल्ट लिया है। सॉल्ट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हॉट एंड स्वीट टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहो तो इसमें तंदूरी मसाला भी ऐड कर सकते हो 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे, पिंच ऑफ तंदूरी रेड कलर ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड करें, जस्ट एक पिंच मैंने इसमें ऐड किया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर दूंगी। चिकन हमारी मैरिनेट हो गई है। मैंने इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया है। आप ज़्यादा समय के लिए भी इसको मैरिनेट कर सकते हो, ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हो। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, आप चाहो तो 1 टेबलस्पून मैदा भी इसमें ऐड कर सकते हो। पैन में ऑयल को हीट करने रखेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करेंगे, मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। इसमें अब हम ये चिकन के पीसेस रखेंगे। एक्स्ट्रा मैरिनेट भी इसी के ऊपर लगा देंगे और हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट पहले कुक करेंगे और फिर बाद में इसको फ्लिप करेंगे, इमीडिएटली फ्लिप नहीं करेंगे। अब ये हो गए हैं, अब हम इसको फ्लिप कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह कुक करेंगे और फिर गैस का फ्लेम स्लो करके इसको चिकन टेंडर होने तक कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से हो गई है, चिकन टेंडर हो गई है, एक्स्ट्रा मसाला भी सब ड्राई हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने इस पर रोस्टेड तिल ऐड किया है। अगर आपको नहीं ऐड करना है तो आप इसी तरह इसको सर्व कर सकते हैं लेमन जूस और चाट मसाले के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।